झारखंड के गोडरडा में मिशन 2019 की बिसात बिछने से पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संथाल परगना की धरती से कार्यकर्ताओं की जीत का मंत्र दिया। इसके साथ ही 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाने की संकल्प लेने की अपील की। जिले के रामनगर में संथाल परगना के तीनों लोकसभा क्षेत्र गोडरडा, दुमका और राजमहल के केंद्र बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश को 2019 में महाशक्ति के रूप में देखना है तो सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में डाली जाए। जो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा की सरकार में 10 साल तक देश की सुरक्षा का कोई ठौर ठिकाना नहीं। 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुसते रहते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे, कोई जवाब दिया नहीं जाता। सर्जिकल स्ट्राइक की, तब सबको लगा कि अब जवाब दिया ना जाता है। और पुलवामा में जब हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए, इसकी 13वीं के दिन हमारे एयरफोर्स के जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर 3 आतंकी अड्डों का खात्मा बुलाकर शान के साथ वापिस आ गए। उस वक्त पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को हल्के से नहीं लिया जाता।